गुड मॉर्निंग, आज है संडे 8 अक्टूबर और अभी हुए हैं 6:30। सुबह सुबह थोड़ी सी ठंड ज़्यादा बढ़ गई है आजकल, तो थोड़ी देर पहले ही मैं उठी हूँ 6 बजे के करीब। तो अभी पानी एंड फ्रेश अप हुई हूँ, अब थोड़ा सा वॉक करती हूँ और उसके बाद करूंगी योगाभ्यास प्राणायाम। गुड मॉर्निंग सारेष्ट। गुड मॉर्निंग। आज आप सुबह ही नहा धोकर फ्रेश हो गए, आज तो संडे है। क्योंकि मैं श्री के साथ सो गया था बाहर। श्री के साथ उधर ही बैठ गया था, फिर मैं नहाने चला गया। तो कैसा लग रहा है आपको, एक नया मेंबर आया हमारे घर में? देखो बाहर आवाज़ें कर रहे हैं। इनकी तो जान ही बस की उसमें, वो छोटा सा पप्पी लेके आए थे तो वो श्री है। एक्चुअली वो फीमेल है तो उसका नामकरण किया है श्री। ये सब क्या होने वाला है? आज श्री का स्नान होने वाला है, नहलाई धुलाई। आज हम श्री को नहलाएंगे अच्छे से, ठीक है? और पढ़ भी लो आप, कल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है ना, उसके तो फुल रेडी। तो सारिष्ठ भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है एक्टिविटी कॉर्नर में, तो देखते हैं। देखो नींद आ रही है, तो मैं पी रही हूँ यहाँ पे कॉफ़ी लेमन, आजकल मैं ये पी रही हूँ मॉर्निंग में, मॉर्निंग ड्रिंक मेरा। हम दोनों ही पी रहे हैं क्योंकि सुबह 6 बजे उठ गई थी, उसके बाद तो पानी फ्रेशन अप होके आपके साथ शेयर भी किया था बाहर। तो अभी मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज की, मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं है, ठंड की वजह से मुझे पेन ज़्यादा हो जाता है। और प्राणायाम मैंने 1 घंटा किया और अब उसके बाद मैं ले रही हूँ लेमन कॉफ़ी। तो आज जो आज है संडे, तो मैं आज जो भी करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। शायद आज का व्लॉग कुछ खास होने वाला है, किसी को मैंने बुलाया भी है, तो देखते हैं फिर आपके साथ भी शेयर करेंगे। और संडे का पहला काम है जी, अब हो रही है कपड़ों की धुलाई। यहाँ इतने सारे कपड़े, और किसको यहाँ पे भी लग गया है ढेर पतिदेव के कपड़े, और ऑलरेडी यहाँ पे मशीन पूरी भरी हुई है, तो इनको करूँगी मैं अलग अलग साइज की यूनिफॉर्म। बहुत सारे कपड़े हैं आज, बहुत सारे कपड़े धुलेंगे। और ये देखो ये कितना गंद पा के रखा है बच्चों ने, योगा मैट भी इसके लिए यूज़ किया हुआ है। ये है जी नया मेंबर, अभी जब तक इसके लिए प्रॉपर जगह नहीं बनती। गुड मॉर्निंग। मैंने अलग अलग सॉर्ट कर दिए, ये सबसे बड़ा ढेर है सारिष्ठ का, ये इसके पापा का, वो मेरा सानी देर रोज धो लेता है अपने साथ के साथ। इसमें नहा कर हो गई हूँ फ्री, अभी संडे को बहुत ज़्यादा काम रहता है, मैंने अभी कुछ बनाना भी है स्पेशल डिश, और बुलाया भी है, किसको बुलाया है आपके साथ शेयर करूँगी, जिनको भी बुलाया है। तो अभी कपड़ों का सबसे पहला काम, तो किचन में आ गई हूँ। ये पुदीना सुखा के रखा था और इसको पीसेंगे नहीं हम मिक्सी में, एक्चुअली मेरे पास कोई शूट करने वाला नहीं होता तो इतनी क्लैरिटी नहीं आती, तो इसको मैं ऐसे ही मसल कर पाउडर बना दूंगी। ये पुदीने का पाउडर है, तो इसको मैं एक अपने किसी डब्बे में डाल दूंगी, डब्बियाँ बहुत गंदी हुई है। और ये वाला है, ये है वो टिम्बर, मैंने जब ये तोड़े थे सुखाए थे आपके साथ शेयर भी किया था। और ये तुलसी है, एक बार तो तुलसी को मैं भर चुकी हूँ अपने इस जार में, और ये वाली तुलसी भी मैं इसमें डाल दूँगी। ये सुखा कर रखी है, और ये है टिम्बर के पत्ते, ये भी सुखा के रख दिए हैं। इसको भी मैं ऐसे ही बारीक, सारे अपने मसाले इस तरफ रखे हैं सुखा कर। तो ये वाला जो है अभी आज मैं इसको भी तोड़ूँगी, ये है मेरा लेमन ग्रास, इस लेमन ग्रास को। और इसके साथ ही मैं नीचे भी रखे हुए हैं यहाँ पे दालचीनी, काली मिर्च, और इधर भी छोटे छोटे से कचूर
और सौंठ है, किसी में कुछ है, बस इसमें ये भी आज सफाई करूंगी मैं इसकी भी। इसमें भी छोटे छोटे से इसी तरह के स्पाइसेस हैं जो मेरी औषधि है सारे के सारे। तो ये वाला मेरा जो सेक्शन है ये पूरा मेरा स्पाइसेस का है, जो मैं डेली ड्रिंक में भी यूज़ करती हूँ और अपनी सब्जियों में भी यूज़ करती हूँ। इसमें भर दिया है मैंने पुदीना पाउडर और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया साथ में, क्योंकि भी डिमांड है और थोड़ा गेस्ट के लिए भी बन जाएंगे। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 kg यहाँ पे आटा है। अब देखती हूँ मैं ये सारे बनाऊँगी या कुछ कम बनाऊँगी, पर मैं शायद ये सारे बनाऊँगी क्योंकि कुछ ज़्यादा भी है तो फिर मेहमान भी थोड़े से ज़्यादा है तो फिर ये हो ही जाएगा। तो इसको बनाने के लिए आपको पता ही है पहले डो तैयार करना होता है आटे का, तो मैंने यहाँ पे गर्म पानी कर लिया है और इसमें मैं ईस्ट ले लूँगी। तो ये है ड्राई ईस्ट, इसका मैं 2 tablespoons इसमें डाल दूँगी क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा ली है। 1/2 kg होता तो 1 tablespoon भी इनफ था, लेकिन ये क्वांटिटी आटे की ज़्यादा है तो मैं ईस्ट भी 2 tablespoons लूँगी। और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी बेकिंग पाउडर, ये वाला थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालूँगी 1/2 tablespoon के करीब, ताकि अच्छे से फर्मेंट हो जाए आटा, हमारा डो बहुत अच्छा बन जाए सॉफ्ट। 2 tablespoon के करीब मैंने डाल दिया है इसमें ईस्ट और इसको मैं, तो ये इसमें थोड़ा सा गर्म पानी के 1 glass के करीब, 1 cup के करीब गर्म पानी ऐड कर दूँगी। तो 5 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँ, तैयार होता है 5 मिनट्स के लिए हम इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, और तब तक हम कर लेते हैं अपना डो रेडी। तो उसमें मैं थोड़ा सा हाफ छोटा सा टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये 5 मिनट्स के लिए तो रख दिया था, अब ये यहाँ पे मैंने 1/2 tablespoon सॉल्ट डाला है और थोड़ा सा मैंने बेकिंग पाउडर भी डाल दिया इसको एक्स्ट्रा स्पॉन्जी करने के लिए, ताकि बहुत अच्छा बने हमारा डो बिल्कुल बन की तरह जैसे बन होते हैं। तो ये हमारे पहाड़ी बन है जिसको हम सीडू बोलते हैं। तो ये वाला भी मैं इसमें घुल गया है, वैसे वैसे कई लोग इसमें चीनी भी डालते हैं, जैसे हम लैब में पढ़ते हैं हम बायो में, कि हम एक इसको ग्रो करने के लिए वही वाला वही मीडियम शुगर सॉल्यूशन डाल देते हैं, कहीं चीनी डाल देते हैं नमक के साथ, तो वो भी बहुत अच्छा बन जाता है। मीठे सिड्डू बनाने के लिए मैं गुड़ को ऐसे पतला पतला काट लूँगी छुरी से या फिर ग्रेट कर लूँगी और इसमें डालूंगी मैं ड्राई फ्रूट्स। तो आज संडे था और सभी लोग घर पे थे, बहुत दिनों से हमने अपने किचन की डीप क्लीनिंग नहीं की थी, तो हमारा आज प्रोग्राम था कि हम डीप क्लीनिंग करेंगे, अपने जो एक्स्ट्रा बर्तन उनको पैक कर देंगे। और अभी लंच की पूरी तैयारी करने के बाद मैं आटा गूंद दिया है, दाल बना दी है, सब्जी काट के रख दी है और सिड्डू के लिए भी उड़द की दाल भी पीस ली है, गुड़ का भी मिक्सचर तैयार कर लिया है, आटा फर्मेंट होने के लिए रखा है। तो जब तक ये तैयारी होती है ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, तब तक हम किचन को भी क्लीन कर देते हैं। डब्बू कर दिए मैंने सब छोटे छोटे से, ये मेरे मसाले स्टार एनिस है, इसको भी मैं रख दूंगी। और ये छोटी डिब्बियों में ये कचूर है और ये भी मेडिसिनल है ज़ुकाम के लिए, छोटे बच्चों के लिए हमारी पहाड़ी दवाई है। बहुत गांव में तो लोग मेडिसिन बहुत लेट खाते हैं, पहले तो यही इलाज चलते हैं। और ये है टिम्बर के पत्ते, ये भी मैं सुखा के रख देते हैं, तो ये चीज़ें मैं अभी यहाँ पर रख दूँगी। और यहाँ पर है मेरे पास ये मगज, क्या बोलते हैं इसको, मगज ही बोलते हैं ना, मग मैं भी भूल रही हूँ। और ये लौंग काली मिर्च ये सब इसमें है, तो ये काढ़े का सामान है। और ये हमारे पास हींग भी है, ये हींग भी है, इसी में रखी है मैंने ये भी, तो इसको भी कर देंगे बंद और अरेंज करके रख देंगे वापस। ये वाला सेक्शन मैं साफ़ कर चुकी हूँ और ये वाला भी साफ़ कर चुकी हूँ ऊपर वाला,
अभी ये वाला रहता है तो मैं पहले साथ साथ के साथ अरेंज भी कर रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा मैस ना हो, क्योंकि अभी लंच भी बनाना है और स्कूल भी जाना है। तो ये चीज़ें यहाँ पे मैंने ये अरेंज करके रख दी है। ये मेरे छोटे छोटे से सेक्शंस, इतने छोटे छोटे से डब्बू है, ये मैं बहुत पहले सोलन से लेके आई थी और इसमें भी तुलसी है, ये पिछले साल की तुलसी है और इस साल की तुलसी मैंने यहाँ पे भर के रख दी है। और ये कच्ची हल्दी थी, अपनी हल्दी थी, थोड़ी सी गांठें बनी थी तो मैंने वो सुखा कर पीस ली थी। और ये सौंठ है, ये भी मैंने खुद बनाया था सौंठ, जो ये इस तरह की जो सौंठ की इसकी फलियाँ होती है सुखाई हुई, उससे ये वाला पाउडर मैंने बनाया था। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि मेरी इन छोटी डब्बियों में क्या है। इसमें कचूर है वो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, और ये साथ में इन डब्बियों में जो भी चीज़ें इन चारों डब्बियों में है वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। ये मेरा ये जो बड़े बड़े से डब्बे हैं इनमें मेरे वो मसाले रहते हैं, धनिया, मिर्च, हल्दी और ज़ीरा, इस तरह की चीज़ें ये बड़े वाले डब्बों में, और छोटे छोटे में मैंने आपको दिखा दिया कौन से स्पाइसेस हैं मेरे। अब मेरे दोनों ही ये तो हो गए अरेंज, अब ऊपर वाले पे चलते हैं। अब हमारी बड़ी लार्ज स्केल पे सफाई शुरू हो गई है, तो पतिदेव भी आ गए हेल्प करने के लिए। कुछ एक्स्ट्रा जो हमारे पास बर्तन है वो हमें पैक कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? 2 बजे? तो आपका क्या मतलब है 2 बजे तक मैं किचन में ही रहूंगी खुद भी? मुझे अभी तो फ्री होना है, खाना भी बनाना है। पैक कर दिया, इसमें बहुत सारे बर्तन है जो यूज नहीं हो रहे हैं तो इसको हम पैक करके रख देंगे। इसमें यहाँ पे भी थोड़ी चीजों को सॉर्ट कर दिया है, थोड़ा थोड़ा रख दिया है यहाँ पे। अब जल्दी जल्दी, अब सफाई नहीं होने वाली, दिवाली में भी मोटा मोटा ही करेंगे। आज किचन को डीप क्लीन कर दिया। हमारे मेहमान आ चुके हैं और हमारी हालत देख के हो रहे हैं बहुत ही ज्यादा परेशान। अभी तो दीदी की पूरी लग रही है। हाय, मेरी दूसरी बहन भी आई है, देखो कितनी मोटी हो गई आजकल। खाती रहती है सिड्डू, खाती रहती है सुमन ब्लॉग से। हाँ, ये हमारे सबसे बड़े दीदी है, तो ये अभी आजकल ही आए हैं। चलो कोई नहीं, अच्छा है, हेल्दी इंसान हेल्दी होना चाहिए, मोटा पतला नहीं होना, मोटा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमारी तरह, पतले ही अच्छे होते हैं। दिन में काफ़ी ज़्यादा सफाई भी थी, फिर बर्तन भी थे, तो हमारा पानी ख़त्म हो गया और हमारे सारे के सारे कपड़े ऐसे ही लटक गए, तो अब हम इनको निकाल रहे हैं। तो अभी मैंने एक शिफ्ट पहले धो ली और ये दूसरी शिफ्ट डाली है अभी, और बेडशीट सर अभी सब कुछ निकाला था हर कमरों से, तो वो दूसरे वाली नीचे वाली मशीन में धो लिए थे जो सेमी है। तो फिर अब जो काम दिन में होने थे वो अब हो रहे हैं। अब दीदी भी जा चुके हैं, तो हमारे गेस्ट थे, दीदी थे, अंजू थी, अंजू के बच्चे थे और थोड़े से और बच्चे थे पड़ोस के। तो दीदी पहली बार हमारे घर आए जीजू के जाने के बाद, जीजू को गए हुए अभी 1.5 साल हुए हैं, तो बहुत ही दुखद घटना ये हुई थी। तो उनको देख के बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि अब अपना साथी नहीं है, तो कहीं जाना आना भी छोड़ दिया उन्होंने, खाना भी बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बहुत गिनी चुनी चीज़ें खाते हैं, तो ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हाँ जी, सारिश ने बनाया ये देखो, इसके अंदर बनाया है रोल, और उधर को रखी है एक और पेटी। मैंने इसके लिए 2 रूम बनाया घूमने के लिए, रात को हमने इसको बाहर आदत डालनी है सोने की। चलो चलो, नहीं बाय बाय। तो इसी के साथ हमारा डिनर भी हो गया है, तो ब्लॉग का करते हैं एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। गुड नाइट, मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।